यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। शो दैट फॉर ए वेव ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रिंग। अगला क्वेश्चन, वाई मैक्स बाई वी मैक्स इक्वल टू वी मैक्स बाई ए मैक्स वेयर द सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग्स, कैन बी यूज कंपोनेंट और डिविनर। चलो पहले इतना कर लेते हैं, क्या ये चीज सही है ना? तो वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। वाई मैक्स क्या होता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का यूनिट मीटर में होता है ना। वी मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विच इज ए ओमेगा, है ना, पार्टिकल स्पीड की बात कर रहे हैं ना। ए मैक्स क्या है? ये पार्टिकल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं विच इज ए ओमेगा स्क्वायर। तो इसको रख के देखो, वाई मैक्स बाई वी मैक्स रखो वाई मैक्स बाई वी मैक्स रखो, क्या आएगा? ए बाय ए ओमेगा इक्वल टू वी मैक्स इज ए ओमेगा बाई ए मैक्स, ए मैक्स इज ए ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक ये तो क्लियरली सभी को दिख रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये वन बाय ओमेगा इक्वल टू वन बाय ओमेगा, दिस इज राइट। पहला वाला तो आज पार्ट बहुत आसान था, फॉर्मूला रख के तुम्हें देखना था, तो ये सभी को दिख गया कि दिस पार्ट इज राइट। कैन बी यूज कंपोनेंट एंड डिविडेंड टॉट इन एलजेब्रा, ना अपन ने एलजेब्रा में पढ़ा था, है ना, कि अगर पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाय एस है तो अपन पी प्लस क्यू, है ना, अपन लिख सकते, आई थिंक सभी को पता है, पी प्लस क्यू बाई पी माइनस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस बाई आर माइनस एस, है ना, इसको कंपोनेंट और डिविडेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड आंसर इज बिग नो। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बेटा ये यूनिट्स एंड डायमेंशन में जो अपन ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है उसको वायलेट कर रहा है। वाई मैक्स का यूनिट है मीटर, वी मैक्स का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, आप मीटर में मीटर पर सेकेंड ऐड नहीं कर सकते, है ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, आप उन क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिनके यूनिट्स या डायमेंशन अलग अलग है। तो यहां पर भी नहीं कर सकते वो चीज, यहां पर भी नहीं कर सकते। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू कैन नॉट ऐड देम, सो नहीं कर सकते। नंबर्स के साथ कर सकते हो, अगर मान लो तुम लिख के इनके नंबर काट दो तो तुम कर सकते हो भाई, इनके अगर मतलब इनके यूनिट काट दो, अगर यूनिट काटने के बाद जो नंबर्स बच रहे हैं, जैसे मान लो जो भी था डेटा, मान लो यूनिट वगैरह सब काटने के बाद ये डेटा बचा 1 बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 4, इस पे तुम लगा सकते हो, तुम नंबर्स पे लगा सकते हो, ये समझो। पॉइंट ये है, कंपोनेंट और डिविडेंड तुम जो भी लगा रहे हो ये नंबर्स पे लगेगा, यूनिट्स पे नहीं लगेगा, है ना। तो उसको लगाने से पहले यूनिट्स काटने पड़ेंगे, यूनिट्स काट के जो नंबर बचे उन पे तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये क्वेश्चन नहीं लिख सकते क्योंकि इनके पास यूनिट है और ऐसा आप नहीं कर सकते। आई होप ये क्लियर है सभी को, है ना।